सुर हमेशा से लोगों को कहानियों के माध्यम से अट्रैक्ट करते हैं कि ये ऐसे होते थे, उनके दांत लंबे होते थे और जाते थे और ऋषि मुनियों के हवन कुंड में कुछ कुछ मांस डाल देते थे, कुछ कुछ डाल देते थे और पूरा डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो क्या वाकई में असुरों की कल्पना जो हमें कहानियों के माध्यम से बताई गई है, असुर ऐसे ही होते थे? अगर आज की डेट में आपको डायनासोर के फॉसिल नहीं मिले होते और मैं आपको यहाँ बैठ के बोलता कि एक बहुत विशाल का जानवर होता था जो जिसकी गर्दन ऐसी होती थी, पूंछ वैसा, इतने बड़े नाखून होते थे, उसके दो हाथ छोटे होते थे, उसके दो पैर बड़े होते थे, तो आप बोलते दिमाग सही जगह पे है। तो हर वो चीज जो प्रमाणित नहीं हुई है जरूरी नहीं है कि वो मिथ्या है। शुक्राचार्य ने शिव जी से एक वरदान लिया था कि वो किसी भी मरे शरीर को वापस जीवित कर सकते थे। तो देव लोग लड़ते थे, थकते थे, जीतते थे, मारते थे और जैसे ही जाते थे सूर्यास्त में थोड़ा सा आराम करने, अगले दिन सुबह वही सारे फिर खड़े हो जाते सारे राक्षस। हाँ, क्योंकि वो शुक्राचार्य रात गुड मॉर्निंग कर देते थे उनके। सोचा देवों ने कि ऐसे तो कभी खत्म नहीं होंगे, क्या किया जाए। तो सूर्य देव को बुलाया गया, बोले जैसे हम मारे तुम भस्म कर दो, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो खड़ा किसको करेंगे। आज भी हम लोगों की हिंदू पद्धति में हमारे मरणोपरांत, हमारे डेथ के बाद हमारे शरीर को जलाया जाता है। ये वहां से शुरू हुआ था। इस समय तक देव तो हैं जहां हैं, लेकिन दानव और असुर इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपके और मेरे अंदर हैं। कैलाश पर्वत जो है ना, वो बड़ा मिस्टीरियस है और कोई तो कारण है। मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना, मार्स पे चले गए, मून पे चले गए, कैलाश पर्वत अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट उससे ऊँचा है। वहाँ तो चढ़ गए और सब कंचनजंगा चढ़ गए और मेरू चढ़ गए, पता नहीं क्या क्या चढ़ गए, ये कोई नहीं छोड़ पाया। क्या कैलाश शिव शंकर भोलेनाथ का घर है? हम इंसान कैसे बने? असुर कौन थे? क्या असुर अभी भी होते हैं? परीक्षित की जान श्री कृष्ण ने कैसे बचाई? सनातन पौराणिक इतिहास काफी रोमांच से भर देता है और साथ में विश्वास भी पैदा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण, और आज के अंतःकरण में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज के अंतःकरण में हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी अक्षत गुप्ता का। आप बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और साथ ही साथ आप बहुत सारी माइथोलॉजिकल चीज़ों पर आपका एकदम पकड़ रहती है, बहुत सारे पॉडकास्ट भी आप शूट कर चुके हैं इस पर। तो अक्षत, आपकी एक खासियत है, आपके अंदर वो जो स्टोरी टेलिंग की पावर है ना, बड़ी ख़ास है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आज क्या स्टोरी सुनाने वाले हैं आप हमारे दर्शकों को? मेरे पास कहानियों का भंडार है क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनना, सुनाना, पढ़ना, ढूँढना, ये सब पसंद है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब मैं स्टोरी टेलिंग में ही दूं। अक्षत, जनरली अगर हम भारत की सभ्यता की बात करें, हमारा जो पौराणिक इतिहास है सनातन धर्म का, उसको लोग मिथ मान लेते हैं। पूरी दुनिया में ये मिथ के नाम से फेमस है, माइथोलॉजी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये पौराणिक इतिहास है ना कि माइथोलॉजी है। तो आज के जो मेरे सवाल रहेंगे ना, वो कुछ कुछ इस पर ही बेस्ड रहेंगे। हम बचपन से एक कहानी कई सारे बच्चे सुनते आए हैं कि वो अश्वत्थामा जो थे उन्होंने ऐसे ब्रह्मास्त्र चलाया और परीक्षित जो गर्भ में थे उनके ऊपर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा और श्री कृष्ण ने गर्भ के अंदर एंट्री करके उनकी जान बचाई। तो क्या तथ्य है इसके पीछे, मतलब आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, हर वो चीज़ जो हमारे पौराणिक कथाओं में कहा गया है उसको हमको शब्द से शब्द लेने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा जी, क्या होता है ना कि हम 5000 साल से, पिछले 5-6000 साल से वी हैव स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स। हम चीज़ें लिख के करते हैं। उसके पहले का की जो पद्धति थी ना, वो सिर्फ बोल के थी, वर्बल चलती थी। आपको डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन याद करने में मुश्किल होगी, आपको केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद करने में मुश्किल होगी, लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको दशावतार के 10 जो अवतार हैं जिसमें 9 आ चुके हैं उनकी कहानी सुनाऊंगा ना, तो आपको पूरे नाम और पूरी कहानियां याद रह जाएंगी। तो हमारे सनातन धर्म का ये तरीका शुरू से रहा है कि हम कहानियों के माध्यम से अपनी बहुत गहरी बातों को भी रखने की क्षमता रखते हैं। आपने जो कहा कि माइथोलॉजी कहते हैं, है ना, तो
ये वही बात है कि कई हम हर चीज अलाउ करते हैं अपने सनातन धर्म में। आप मूर्ति पूजन करें हम तो भी आपसे प्यार करेंगे, आप मूर्ति पूजन ना करें या उसके उसके फेवर में ना हो तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता। तो वही बात है ना कि आप एक पत्थर को देख रहे हैं, उस पत्थर को आप देख के बोले तो सिर्फ पत्थर है, माने तो शिवलिंग भी हो सकता है। तो माइथोलॉजी वाली जो बात है वो वैसे ही है कि अगर आप उसको मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी, अगर आप उसको सत्य मानेंगे तो सत्यालॉजी। पर कुछ तो तथ्य होंगे जैसे बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन जब एक एक मुंह से बात आगे बढ़ती है और कई जनरेशन और कई पीढ़ियों तक जाती है तो उसमें प्लस माइनस होती रहती है, आज भी चीजें ऐड हो जाती हैं, कुछ ऐड हो जाती है। और कई चीजें देखिए हम उसको इसलिए बोलते हैं कि हम उसका मूल आप तक पहुंचा दें। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, आपने अनगिनत जगह देखा होगा छोटे से छोटे गांव और बड़े से बड़े शहर में कि पीपल का और बरगद का पेड़ है जिसमें लोग मौली बांध रहे हैं, है ना, पूजा हो रही है, उसके नीचे भगवानों की तस्वीरें रख दी गई हैं, है ना। आप ये सोचिए कि वेस्टर्न कल्चर से कोई आएगा और ये देखेगा तो ये हमको पागल ही बोलेगा ना कि मतलब पेड़ की पूजा कर रहे हो तुम लोग, पागल हो क्या। अब इसके पीछे का साइंस समझिए आप। अच्छा, हमको आपको और मुझे क्या मालूम है कि पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। कुछ कुछ व्रत होते हैं, उन व्रतों के बीच में भगवान बसते हैं, मतलब उनके लिए बेसिकली पूजा की जाती है। तो ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ में भगवान बसते हैं। वो समय के साथ बदला तो कई बोलने लग गए कि उसमें भूत बसते हैं, छोड़ देते हैं कौन बसते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज से 5,000 साल 8,000 साल पहले कोई भी किसी को ये नहीं समझा सकता था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, आप समझा ही नहीं सकते थे क्योंकि थोड़े से बुद्धिजीवी थे और ज्यादातर लोग सीधे साधे अनपढ़ गंवार लोग थे। अब उनको ये नहीं समझा जा सकता कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो उनको आप ये कैसे समझाएंगे कि हर पेड़ दिन भर ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, लेकिन रात को ज्यादातर पेड़ वापस ऑक्सीजन लेना चालू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन सारे पेड़ों के बीच में पीपल, ये आपने देखिए आपके स्पीकिंग ट्री में ये बरगद बना हुआ है, पीपल और बरगद वो बड़े चुनिंदा पेड़ हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। ये समझा पाना पॉसिबल नहीं था, इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया मासेस के समझने के लिए। आपको ये भी बोला जाता है कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। जब और पहले क्या होता था, 15-20 घरों का एक गाँव होता था और वो चारों तरफ से जंगलों से और पेड़ों से घिरा होता था। अब सबसे ज्यादा जो जो लकड़ी मिलती है वो एक बरगद और एक पीपल काटिए तो उसमें ज्यादा लकड़ियां हैं, तो सबसे पहला थॉट क्या है कि सबसे पहले इसी को काट लो। उनको समझाना था कि अगर तुम ये काट दोगे ना तो एक ही रात में पूरा गांव मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। तो आपको जिंदा रखने का काम ये दो पेड़ों के समुदाय कर रहे थे। तो जो जीवनदायी होता है उसकी पूजा की जाती है ना, आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं। तो अगर पूरी रात आपको जीवन देने वाले ये दो पेड़ बचे हैं तो उनकी पूजा करना सिखा दिया गया। अब हम इस बैक स्टोरी को भूल चुके हैं, हमको नहीं पता, हमको सिर्फ ये मालूम है कि ये लोग तो बेवकूफ लोग हैं जो पीपल और बरगद के पेड़ में सिर्फ धागा बांध बांध के ऐसे ऐसे करते हैं, यही मान्यता है ना। तो ऐसी हर चीज के पीछे ना बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम कहानियों को पकड़ लिया, हमने कहानियों का जो बॉटम लाइन है कि ये जो कहानियों क्यों है उसको भुला दिया गया। तो ये परीक्षित वाली कहानी से क्या समझाना चाह रहे थे? परीक्षित देखिए महाभारत हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा महाभारत ही एक मिथ्या है, ऐसा नहीं है। महाभारत हुआ है, अस्त्र होते थे, अश्वत्थामा थे, मैं था नहीं बोलूंगा, मैं थे बोलूंगा, उसका कारण मैं आपको आने वाले समय बताऊंगा। रावण था, अश्वत्थामा थे, आऊंगा उस पर। जब हमको ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, अश्वत्थामा एक बहुत अच्छे पुत्र थे, एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लॉयल फ्रेंड भी सब कुछ थे, है ना। ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ऑफ महाभारत, उनको हराना मारना आसान नहीं था। द्रोणाचार्य जिन्होंने पूरे कौरवों और पांडवों को तैयार किया युद्ध के लिए, उनका बेटा कितना बड़ा वो होगा, अपने बेटे को तो आदमी सबसे ज्यादा देता सबसे ज्यादा ज्ञान है ना। फिर अश्वत्थामा हतोहता, ये एक एक लाइन है, इस ये चीज वहां पे फैलाई गई कृष्ण के बोलने पे,
और सब लोगों को बोला गया कि अश्वत्थामा हतुआ था, अश्वत्थामा हतुआ था, मर गया मर गया। उन्होंने एक हाथी को मारा था, भीम ने एक हाथी को मारा था, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था। ये बात जब द्रोणाचार्य को पता चली तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, वो मेरे शिष्य होने के पहले मेरा सुपुत्र भी था और मैंने बड़े वरदानों से उसको मांगा था, वो नहीं मर सकता। अगर युधिष्ठिर बोल देगा कि वो मर गया है तो मैं मान लूंगा। वो पहुंचे युधिष्ठिर के पास, थोड़ी सी दूरी थी, बोले युधिष्ठिर अगर तुम बोलोगे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया है तो मैं मान लूंगा कि मर गया। युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि किंतु वो एक हाथी का नाम, वो एक हाथी था। ये किंतु के बाद का जो लाइन है ना, उस समय कृष्ण जी के बोलने पे सबने शंखनाद कर दिया कि जीत का बिगुल बजा दिया और वो किंतु के बाद सुन नहीं पाए। अब ये तो एक कहानी है, इसपे कितनी सच्चाई है मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आप आज देखिए कि आज भी हम लोग एक बात बोलते हैं कि आपको ना अगर असली बात जाननी है तो आप सिर्फ बट के बाद की लाइन सुनो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं लेकिन, तो आपके काम की बात लेकिन के बाद की ही लाइन है, आपको उसी पे काम करने की जरूरत है। मैं अनगिनत बार सुना हूँ कि अक्षत तुम्हारी फलानी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल है, लेकिन लेकिन के बाद वो कितना भी सजा के बोले वो ये बोलते होते हैं कि लेकिन हम इस स्क्रिप्ट को नहीं लेंगे। मेरे काम की बात यही है कि लेकिन आप नहीं लेंगे, नहीं। कितनी अच्छी है उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो वहाँ पे बताई गई है उसको हम आज तक लेके चल रहे हैं कि अगर अगर द्रोणाचार्य लेकिन के किंतु के बाद की बात सुन लेते तो वो अपने सारे औजार नहीं रखते। जब उन्होंने शस्त्र त्यागा तो उनका गला काट दिया गया। इस समय तक अश्वत्थामा हर चीज सही कर रहे थे। साइड्स चूज करना कोई गलत बात नहीं है, मेरा मेरे हिसाब से कुछ और सही हो सकता है और आपके हिसाब से कुछ और सही। कृष्ण ने तो कन्विंस अर्जुन को इसी बात पे किया था ना कि धर्म के सामने जो अधर्म की साइड खड़ा है, तुम्हारा काम है, भले ही वो तुम्हारा रिलेटिव है, तुम्हारा काम है कि धर्म का तुम साथ दो। कन्विंस तो कृष्ण ने इसी बात पे किया था। बिल्कुल सही बात है। मगर आज के समय में देखिये, मैं अगर मेरा कोई मित्र है, मेरा भाई है, मेरे परिवार का कोई भी ऐसा शख्स है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो कुछ गलत कर लेगा, तो मैं उसको घर में ला के, कमरे में ला के डांटू मारू जो भी करो, लेकिन जब बाहर से कोई आएगा ना दरवाजे पे उसको हाथ लगाना है तो मैं उसके आगे खड़े होकर बोलूंगा कि हाथ नहीं लगाना। तो आप महाभारत को ज्यादा गहनता से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुर्योधन के तरफ के लगभग सब लोगों ने दुर्योधन को समझाया था कि गलत कर रहे हो मत करो, पांच गांव मांग रहे दे दो, पांच ही तो मांग रहे, सुलह कर लो, खत्म कर लो। ये वो बात है कि मैं अपने कमरे में ले जाके अपने लोगों को क्या क्या डांटूंगा या क्या समझाऊंगा, लेकिन जब बाहर से कोई आएगा तो मैं खड़ा तो अपने अपने व्यक्ति की तरफ ही रहूंगा ना, मैं उनकी तरफ हो ही नहीं सकता खड़ा, क्योंकि अगर मैं उनकी तरफ खड़ा होगा तो मैं अधर्मी हो जाऊँ। मेरा धर्म इसके प्रति है, मेरी लॉयल्टी इसके प्रति है, मेरा मित्र ये है। तो भीष्म पितामह भी कौरवों के तरफ थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, कर्ण भी थे, अश्वत्थामा भी थे और लोग भी थे। इन सब ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग समय पे समझाया था कि दुर्योधन गलत कर रहे हो, पर ये सब अपने अपने धर्म निरपेक्षता से और अपने अपने वचनों से बंधे हुए थे कि इनको साथ तो इधर ही देना, ठीक है। उन्हीं में से एक थे अश्वत्थामा। तब तक अश्वत्थामा ने कुछ गलत नहीं किया था, वो युद्ध के हर उसूल को निभा रहे थे। पर जब उनको ये समझ में आया कि मेरे ही पिता को उन्हीं के शिष्यों ने छल से मार दिया, जो कि मेरे पिता ने कभी किसी को नहीं सिखाया, बल से नहीं हराया, छल से हरा दिया, तो उनको ये समझ में आया कि ऐसे लोगों के प्रति मैं कभी नहीं जीत सकता हूं बल से, क्योंकि वो तो छल करेंगे। वहां से जो नाराजगी और जो गलत रास्ता इख्तियार किया अश्वत्थामा ने, वो लड़ते रहे, आखिरी में दुर्योधन जब मृत्युशैया पे था तब वो गए थे पांडवों को मारने सोए हुए समय। तो पहले के वक्त में सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, अंधेरा हो गया, युद्ध आज खत्म, कल सूर्योदय के साथ होगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये तोड़ा, एक रूल तोड़ा और एक नियम तोड़ा, और वो नियम इसलिए तोड़ा कि उनका मानना यह था कि मैं नियम उनके विरुद्ध तोड़ रहा हूँ जो जिन्होंने मेरे से पहले नियम तोड़ा है, धोखे से मारा है मेरे पिता को। तो जो धोखा कर रहा है, बोलते हैं ना चोर के घर चोरी चोरी निकल आती, हेरा फेरी कहलाती, ये वो वाली बात है।
कि मैं उनके उनकी तरफ कैसे डिग्निफाइड रहूं जिनकी खुद की डिग्निटी नहीं है मेरी नज़र में। तो वो गए थे शिविर में रात को पांडवों को मारने, पर उस दिन पांडव नहीं थे, पांडवों के 5 बच्चे सोए हुए थे, वो सारे मर गए। वो जो 5 बच्चे मरे उनके सगे मामा थे कृष्ण। तो कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि तुम अनंत काल तक क्षत्रिय भी तुम अनंत काल तक कोढ़ ग्रसित शरीर लेके इस पृथ्वी में रेंगते रहोगे, वो उस गुस्से से किया था कि जिनको जीना था उनको जीने नहीं दियो ना, तो उनकी आने वाली जितनी पीढ़ी जीने वाली थी जब कभी नहीं होगी उस सब का तुम भोगो। तो इसके होने के पहले ये हुआ था कि जब अर्जुन पांडव और कृष्ण नदी से लौटे और उनको पता चला कि एक शिविर में जिन लोगों को मारा गया पांडव समझ के वो हमारे बच्चे थे, तो एक मामा रोया और 5 पिता रोए क्योंकि गलत तरीके से मारा गया था। तो अर्जुन बोला मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा। जब अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध चालू हुआ तो आप सोचिए कि अश्वत्थामा भी उतने धुरंधर और उतने बड़े योद्धा थे कि उनके पास भी ब्रह्मशिरा और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र थे। तब ये इन दोनों ने एक दूसरे पर चलाया, और जब आप गुस्से में होते हैं इसीलिए कहा जाता ना कि गुस्से में लिया हर निर्णय गलत ही होता, जल्दबाजी में लिया और गुस्से में लिया निर्णय गलत ही होता। इसीलिए आज तक हम एक दूसरे को समझाते हैं कि दो में से जब कोई एक नाराज होना तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, उस समय सही गलत नहीं, उस समय रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, नहीं कुछ मत करो, बाद में करो। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो फिर सामने वाला ऑलरेडी गुस्से में वो रिएक्ट करता है, आप 3 बार 4 बार रिस्पॉन्ड करते हो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता कि आपका रिस्पॉन्स कब रिएक्शन में बदल गया है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि दो में से कोई भी नाराज है तो उस समय वहां से हट जाओ, शांत रहो, या खुद गुस्से में हो तो चुप रहो। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि एक बार धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई बोली वापस नहीं आती। इस उन्होंने धनुष से बाण चलाया और हम गुस्से में मुंह से बोली चला देते हैं और ये दोनों वापस नहीं आता है, तो वो जो बाण निकला था वो वापस नहीं आ सकता था। चाहे गुस्से में तो चला दिया, अश्वत्थामा के पास खोने को कुछ नहीं बचा था लेकिन बाकी पृथ्वी के पास बहुत कुछ था बचा लेने को। तो ये समझ में आया कि अगर ये जो तीर चल गया है अगर ये सही में अपना इम्पैक्ट छोड़ा तो पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, तो उसको उतारा गया गर्भ में परीक्षित के पास। और उन्होंने टारगेट बना के नहीं भेजा था कि मुझे परीक्षित को ही मारना है, नहीं, वो उसको वहां लैंड कराया गया बेसिकली टू सेव द वर्ल्ड। और मैं श्योर नहीं हूँ कि आई थिंक आप सही कह रही हैं, पर इतने सारे नाम है, इतना कुछ है कि हम भी इंसान ही, कई बार चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो परीक्षित जो थे वो अर्जुन के पोते थे, अभिमन्यु की वाइफ के बच्चे थे जी। तो वहाँ पे उसको रोका गया, लैंड किया गया। और इसके बाद कृष्ण 2 बार नाराज हुए हैं। एक बार जब भीष्म पितामह पे चक्र उठा लिए थे गुस्से से, जबकि उन्होंने ये प्रण लिया था कि इस युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो उस समय वो अपना आपा खो के उठाए थे। तो आप कई जगह आपको फ्रेम्स दिखते हैं जिसके नीचे लिखा होता है कि यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि, कि जब जब यहाँ पे धर्म की क्षति होगी मैं किसी ना किसी रूप में आऊँगा। और दूसरा इनको ये आखिरी में नाराजगी हुई थी जब उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम आखिरी तक कोढ़ ग्रसित शरीर लेके भटकते रहो। तो अगर आप अश्वत्थामा के नजरिए से देखेंगी तो आपको लगेगा कि दोनों तरफ से अतिशोक्ति हुई, कृष्ण से भी बहुत जगह अतिशोक्ति हुई है, इसीलिए कृष्ण को श्राप भी मिला है, गांधारी ने श्राप दिया है ना। तो ऐसा है बिल्कुल। असुरों पे आजकल बहुत बातचीत हो रही है, कुछ कुछ सीरीज भी आई है, और असुर हमेशा से लोगों को कहानियों के माध्यम से अट्रैक्ट करते हैं कि ये ऐसे होते थे, उनके दांत लंबे होते थे और जाते थे और ऋषि मुनियों के हवन कुंड में कुछ कुछ मांस डाल देते थे, कुछ कुछ डाल देते थे और पूरा डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो क्या वाकई में असुरों की कल्पना जो हमें कहानियों के माध्यम से बताई गई, असुर ऐसे ही होते थे? क्योंकि रावण भी असुर थे, महापंडित उनको माना गया, तो कैसे था वो काल और कैसे असुरों की कल्पना यहाँ तक पहुँची कि उनके लंबे दांत होते थे, बड़े डरावनी सी शक्लें होती थी? आपने लॉयन और टाइगर तो देखा है क्योंकि हमारे समय में है, बिल्कुल है ना। तो लॉयन और टाइगर का मुंह बंद रहता है, उनका कोई भी दांत जब तक वो मुंह नहीं खोलते नहीं दिखता, नहीं दिखता है ना।
पर ये भी तो सत्य है और प्रमाणित है कि लॉयन और टाइगर के पहले सेबर टूथ होते थे, तो सेबर टूथ के दांत तो बाहर होते थे, इतने बड़े होते थे, है ना, तो वो भी तो होते थे। आज की डेट में हम एलिफेंट देखते हैं, लेकिन एलिफेंट के पहले मैमथ भी होते थे। तो अगर हमने एलिफेंट से पीछे जाके कार्बन 14 डेटिंग करके फॉसिल्स में सेबर टूथ निकाला है, डायनासोर निकाला है, मैमथ निकाला है, तो उसके पहले अगर आज का हाथी इतना बड़ा है लेकिन पहले का हाथी इतना बड़ा था, आज का शेर इतना है लेकिन पहले का शेर इतना था, तो उसके पहले वो और भी तो बड़े होंगे जिसके हमको फॉसिल्स भी नहीं मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आज की डेट में आपको डायनासोर के फॉसिल नहीं मिले होते, और मैं आपको यहाँ बैठ के बोलता कि एक बहुत विशाल का जानवर होता था जो जिसकी गर्दन ऐसी होती थी, पूंछ वैसे, इतने बड़े नाखून होते थे, उसके दो हाथ छोटे होते थे, उसके दो पैर बड़े होते थे, तो आप बोलते दिमाग सही जगह पे है। तो हर वो चीज जो प्रमाणित नहीं हुई है जरूरी नहीं कि वो मिथ्या है। अब असुर पे आ जाते हैं, देव और असुर की जो बात है, ये दोनों तरीके से आप उसको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यही है, मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी रूप में लेंगे, चाहे उसको मेटाफोरिकली समझें, सिंबॉलिकली समझें, या यक्ष तौर पे समझें, जैसा बोला जा रहा वैसे ही था, अगर वैसे भी सोचें, मेरा मानना है कि सब सही है। आज की डेट में लोग बोलते हैं कि वानर, वानर सेना, वानर नहीं होते थे। एक व्यक्ति, मैं राम की बात कर रहा हूँ, राम अपने राज्य से निकले, राज्य मतलब कम्युनिटी, सोसाइटी, अ प्लेस वेयर ह्यूमंस लिव, वहां से निकले वनवास में गए ना, तो वास काटने कहाँ गए, वन में। तो वन में रहने वाला जो नर होगा वो वानर ही होगा ना, तो हमने वानर बोल के ना उसको, उनको सीधे जोड़ दिया कि वो बंदर जैसे दिखते होंगे। वो वन में रहने वाले नर थे जिन्होंने राम की मदद की। तो अगर हनुमान थे तो उसके पहले हनुमान के भी, तो अब देखिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है कपि, बिल्कुल शुरू की दो लाइन, कपि थी लोग को जाकर, कपि वर्ड क्या है, कपि नाम है हनुमान के वानरों के उस क्लैन का। आप और मैं होमो सेपियंस हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ह्यूमंस बोलते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं तो मानव और आदमी बोलते हैं, वैसे ही जिनको आप वानर बोलते हैं उनके क्लैन का नाम था कपि, कपि है ना। तो कुछ तो होगा, जब आप पांच चीजें प्रमाणित कर पा रहे हैं आज के समय में, तो आपको ये मानना पड़ेगा, वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा आपको, कि बाकी पांच चीज जो उसी किताब में लिखी हुई जिसको आप प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं वो भी था। तो मेरा ऐसा मानना है कि असुर भी होते थे। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी भी है, देव और असुर ये दो अलग अलग क्लैंस हैं, अच्छा ठीक है, और इन दोनों का मिश्रण है आप और मैं, तो इंसान, इंसान हम दोनों के मिश्रण हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पर उसके पहले एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी कहानी पे आ जाते हैं। शुक्राचार्य का नाम सुना है? जी जी। और राक्षसों के देवता, राक्षसों के, सॉरी गुरु, हाँ राक्षसों के गुरु, शुक्राचार्य, और दूसरी तरफ थे बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, है ना। तो एक समय आया था जब शुक्राचार्य ने शिव जी से एक वरदान लिया था कि वो किसी भी मरे शरीर को वापस जीवित कर सकते थे। तो देव लोग लड़ते थे, थकते थे, जीतते थे, मारते थे, और जैसे ही जाते थे सूर्यास्त में थोड़ा सा आराम करने, अगले दिन सुबह वही सारे फिर खड़े हो जाते, सारे राक्षस, हाँ, क्योंकि वो शुक्राचार्य रात भर में गुड मॉर्निंग कर देते थे उनकी, गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, हाँ, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये थक रहे थे और देव भी मर रहे थे, देव की भी संख्या घट रही थी, जीवित नहीं हो रहे थे, वो जीवित नहीं हो रहे थे, क्योंकि हर देव के पास अमृत नहीं है, देव अलग अलग योनि में चेंज होते रहते हैं, कुछ हैं जो हैं बाकी चेंज होते हैं। अच्छा, इट्स लाइक द सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हु विल ऑलवेज बी देयर, एंड देन कम्स द अपर स्टाफ व्हिच इज वेरी ओल्ड एंड दे विल ऑलवेज रिमेन लाइक कटप्पा, एंड देन कम्स दो सोल्जर्स एंड डाउन स्टाफ, नोबडी केयर्स, दे कैन कीप चेंजिंग। तो एक ये हमारे भगवान भी बड़े हायरार्कीज में डिवाइडेड है, खैर वो विषयांतर हो जाएगा, कम बैक टू दिस। तो इन्होंने सोचा, देवों ने, कि ऐसे तो कभी खत्म नहीं होंगे, क्या किया जाए। तो सूर्य देव को बुलाया गया, बोले जैसे ही हम मारें तुम भस्म कर दो, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो खड़ा किसको करेंगे। तो बोले ये करेक्ट है, तो भस्म करना। आज भी हम लोगों की हिंदू पद्धति में हमारे मरणोपरांत, हमारे डेथ के बाद हमारे शरीर को जलाया जाता है,
राइट, ये वहां से शुरू हुआ था कि कोई जीवित ना कर कि रिजरेक्ट ना हो, जला दो जला दो। तो वो चल निकला, वो हो रहा था लगातार। तो शुक्राचार्य पहुंचे शिव जी के पास और बोले कि ऐसे तो ये सब खत्म हो जाएंगे, इनको बचाने का कोई रास्ता बताया जाए। और उसके बाद शिव जी ने उनको जो भी वरदान दिया, जिसके कारण एक छोटा सा समुदाय बचा, उसको शुक्राचार्य लेके कहीं दूर गए। अच्छा। और वो भी फ्लरिश कर रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने बोला कि ये अच्छे हैं बुरे हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये भी एक क्लैन है, तो कोई भी एक क्लैन दूसरे क्लैन को खत्म कर दे ये वाजिब बात नहीं है। तो अभी ये क्लैन कहाँ है? ये क्लैन आपके अंदर है, ये क्लैन मेरे अंदर है, उस पर मैं आऊंगा। अब उसके पहले एक बात बताता हूँ, जंगल में जब आप जाते हैं तो क्या आपको सिर्फ घास खाते हुए और पेड़ पौधे खाते हुए जानवर मिलते हैं? नहीं, आपको कार्निवोरस एनिमल्स भी मिलते हैं, जैकल मिलता है, फॉक्स मिलता है, शेर मिलता है, जो आप सामने आ जाए तो आपको खा जाए। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस पृथ्वी की हर चीज में है, पृथ्वी खुद बैलेंस्ड है, तभी ना एक एक्सेस में हम घूम रहे हैं। तो जैसे कार्निवोरस होते हैं और हर्बीवोरस होते हैं, वैसे ही देव होते थे, वैसे ही असुर होते थे, और बीच में ऐसी चीजें भी होती हैं जो दोनों खा लेते हैं। ये कौन थे? बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। और अगर देवों और असुरों में बात करें तो वो आप और मैं, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और हम दोनों इंसान हैं, आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो चार युग है ना, पहले जो सत्ययुग था, सत्ययुग में हर यहाँ देवों का राज था उस समय, इसीलिए उसका नाम ही सत्ययुग है, कि कोई झूठ नहीं बोलता था, किसी को खाना खा के पेट भरने की जरूरत नहीं होती थी, वो स्पिरिचुअली इतने हाई थे कि उनको हवा पानी की जरूरत नहीं होती थी, वो मेडिटेट करते करते ही अपना जीवन बिता लेते थे, सब सेवा में लगे हुए थे, है ना। तो उस समय मर्डर वर्डर जैसी चीज कभी होती ही नहीं थी, मतलब इट डिड नॉट एग्जिस्ट एवर। जैसे आज भी अगर आपको कोई बोलेगा कैनिबलिज्म के बारे में, है ना, हम यकीन नहीं करेंगे। हाँ, न्यूज में कभी कभार ऐसा आ जाता है कि उसने उसको रख लिया फिर खा लिया, तो हम कैसे ऐसे हो जाते कि अरे बाप रे। तो अभी जो चीजें हैं जिसको हम अभी भी पूरे तौर पे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, अघोरियों की बात होती है ना, तो हम ऐसे विभत्स महसूस करते हैं उन बातों को सुन के। सत्ययुग में चोरी कर लेना उतना ही विभत्स होता था लोगों के लिए, कि ऊंची आवाज में बात कर दिया, हाथ उठा दिया, माना वाना नहीं होता, इसलिए वो सत्ययुग था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पे सिर्फ देवों का राज था। समय बदला, त्रेता युग शुरू हुआ, रामायण काल शुरू हुआ। उस समय तक जो दानव थे, जो असुर थे, वो इतने शक्तिशाली हो गए कि वो देवभूमि भारत में तो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन पृथ्वी में आ गए थे। अच्छा। तो देवभूमि भारत के आसपास की जगहों पे छोटे छोटे उसमें वो पॉकेट्स में तैयार होने, उसमें से एक था लंका जहाँ पे रावण हुआ। तो अब आप देखिए कि पहले सत्ययुग में सिर्फ देवों का राज था, अब असुर आ गए हैं पास, तो फिर उनमें से कुछ लोग घुसे भी, घुसे तो सीता को लेके भी गए, तो यहाँ से वहां भी गए, लेकिन हर असुर बुरा भी नहीं होता है, इसीलिए एक विभीषण भी थे उस तरफ, ठीक है। फिर आया द्वापर युग, तीसरा युग। अब तक असुर इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो अब उस पॉकेट से निकल के देवभूमि भारत के अंदर आके आप में और हम में आ गए थे, तो अब एक ही परिवार में गुड और बैड का फाइट हुआ, जो पहले दो अलग अलग पीस ऑफ लैंड के बीच में हो रहा था, वो अब एक ही लैंड में हो रहा था, इन द सेम फैमिली। तो इविल वॉज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, और एक ही कुरुवंश में एक इविल लाइन निकला कौरवों का और एक, लेकिन हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि अब ये जो अच्छों का लाइन है वो छोटा है, दीज आर फाइव, दे वर 100, सो दे वर ग्रोइंग। एंड नाउ जहाँ पे आप और मैं बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं कलयुग, इस समय तक देव तो हैं जहाँ हैं, लेकिन दानव और असुर इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपके और मेरे अंदर हैं। तो कई बार होता है ना कि हमको छोटी चीज पता तो होती कि गलत है, पर थोड़े से प्रॉफिट के लिए, थोड़े से इच्छा प्राप्ति के लिए हम वो कर देते हैं, छोड़ो हटाओ, एवरीबडी डज इट। सो दिस इज हाउ असुर्स लिव विद इन एंड Among us. आपकी किताब है द हिडन हिंदू, तो पहला इसमें से सवाल ये है कि द हिडन हिंदू नाम ही क्यों? ये माइथोलॉजी फिक्शन है, और आपकी ट्रायोलॉजी शायद तीन दो किताबें और आने वाली हैं इसकी, तीनों आ चुकी हैं। ओके, तो माइथोलॉजी के साथ फिक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ट्रेंड है या फिर इसलिए, या आपको लगता है कि इससे बहुत आसानी से अब
व्यूअर तक पहुंच सकते हैं, रीडर तक, माफ कीजिए? नहीं देखिए, ट्रेंड तो मैं, ये मेरी पहली किताब है तो अभी मैं बड़ा पीछे हूँ ट्रेंड समझने के लिए. जब आप एक किसी काम में उतर चुके होते हैं पूरी तौर पे, तब आपको ट्रेंड्स की समझ आती है. तो मैं आज से 6-7 साल पहले लिखना चालू किया था, और 6-7 साल में देश बदल जाता है, ट्रेंड तो बदल ही जाएगा. तो मैं जब लिखना चालू किया था तब मैंने इतना सोचा नहीं था. मुझे एक बात समझ में आई कि हमारी जो अभी की जनरेशन है, आपके और मेरे बाद के लोग, जेंजी जिनको हम कहते हैं, वो जेंजी जो है ना, वो कुछ जंजीरों में बंध गया है. उनको मार्वल, डीसी, उसके सुपर हीरोज को बहुत मजा आता है. उसकी इसमें कुछ बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है. प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपको पूरी दुनिया का सब कुछ पता हो सिवाय खुद के, कि आप कौन है, आपका पास्ट, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आपके बिलीव्स, आपका बिलीव सिस्टम क्या है, वो हमको अब नहीं पता है यंगस्टर्स को. तो जब मुझे ये समझ में आया, मैं अभी भी कई स्कूल्स में जाता हूँ तो मैं टॉक शोज करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मार्वल के 7 सुपर हीरोज का नाम बताओ. खट 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 पूरे जितने होते हैं सब बताते हैं. फिर मैं पूछता हूँ डीसी के सुपर हीरोज का नाम बताओ. मैं 7 पूछता हूँ, 10 बताते हैं. फिर मतलब वेरी गुड, 7 चिरंजीवियों का नाम बताओ. पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में, है ना. तो क्या होता है कि हम कलेक्टिवली और इंडिविजुअली एक गलती कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन रेस कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हम एक गलती कर रहे हैं. आप देखिए, हम लोग पृथ्वी के बाहर पहुंच गए, हबल टेलीस्कोप लगा दिया, सैटेलाइट्स बना लिया, मून पे लैंड हो गए, मार्स पहुंच गए. आपको पता है हम लोग अभी तक अर्थ के कोर में नहीं पहुंच पाए. तो जो हमारे ज़्यादा करीब है, कारण 100 हो सकते हैं, लेकिन कारण तो ये भी हो सकता है ना कि भाई हम ग्रेविटी नहीं छोड़ पाए तो हम कभी मून ही नहीं गए. जहाँ आपको पहुँचना था आपने उसका जवाब ढूंढ लिया ना, आप आज तक कोर नहीं पहुँचे. ये हम कलेक्टिवली एज ह्यूमन रेस गलती कर रहे हैं कि हम अंदर नहीं देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं. इंडिविजुअली हमने सिंथेटिकली चावल बना लिया है, पत्ता गोभी बना लिया है, अंडे बना लिए हैं, चिकन भी बना लिया है. ये हमको नहीं करना चाहिए था पर हमने कर लिया है. अब तो सेल बनाने पे भी रिसर्च चल रही है पिछले 3-4 साल से, सब चीज़ें अब वो एडिबल है, सब खा सकते हैं हम. आपको पता है हम आज तक शायद नहीं बना सकते. हमको हनी बनाना नहीं आता है, हम उन मधुमक्खियों को नहीं समझ पाए. हम मधुमक्खियों से आज भी चोरी ही कर रहे हैं. तो वैसे ही ना, हम इंडिविजुअली जब हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फॉरेन देख रहे हैं, पेरिस घूमने जाना है, आपको इंडिया के अंदर कितनी खूबसूरत जगह है नहीं पता. आप पूरी दुनिया देखने को तैयार हैं, आप अंतर मन में अपने अंदर देख के आप ये बता पाएंगे कि आपके बेस्ट फ्रेंड में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आपके स्पाउस में, आपके लाइफ पार्टनर में क्या अच्छा है. आपसे कोई सडनली पूछ लेगा ना कि अपना स्वॉट एनालिसिस बताओ. स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप सोचते रहेंगे, एक बताएंगे फिर थोड़ी देर बाद कुछ और बताएंगे. हम अपने को छोड़ के सब जानना चाहते हैं, और वही यहाँ भी हो रहा है. तो इसलिए जब मैं ये किताब लिखना शुरू किया था तो मेरे को ये ध्यान रखना था कि जेंजी इसको, वो हम कहानी सुनाने की प्रथा है ना, तो कहानी वो होगी जो उनसे कनेक्ट हो, और कनेक्ट करने के लिए उनको आज का समय दिखाना पड़ेगा. आप आज के 15-20 साल के लड़के लड़कियों को रामानंद सागर का रामायण देखने नहीं बोल सकते. नॉट दैट उसमें कोई कमी है, वो समय के हिसाब से अब उनके लिए, आज के जनरेशन के लिए बोरिंग हो गया है, क्योंकि अब वो मार्वल देखना पसंद करते हैं. तो उनको लगेगा 2 तीर गए, ऐसे ऐसे रोशनी निकल रही है, क्या कर रहे हैं. तो मैंने कोशिश की कि मैं एक कहानी लिखूं जो आज की पृष्ठभूमि पे हो, यू नो, एज इन एवरीथिंग सेट इन द कॉन्टेम्प्रेरी टुडेज टाइम. हम ज़्यादातर, हम ऑथर्स क्या कर रहे हैं कि हम रीडर्स को पीछे ले जाना चाह रहे हैं, स्पेशली मेरे जॉनर के राइटर्स. हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हो चुका है, जो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको हम अपने तरीके से बताएं और हम अभी के रीडर्स को पीछे लेके जाएं. मैंने कोशिश ये की कि वो लोगों को, हम इनको पीछे ना ले जाएं, हम उन किरदारों को आगे ले जाएं. अगर 7 चिरंजीवी हैं, 7 इमॉर्टल्स हैं, तो वो अमर है ना, तो अमर हैं तो आज कहीं तो होंगे, किसी ने तो देखा भी होगा, किसी ने तो देखा होगा, उनकी कोई तो कहानी होगी, वो कहीं छुपे भी हैं तो हैं. तो मैं अपने रीडर्स को पीछे ना ले जाके उनको आज के समय में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बात. दूसरी, आपने पूछी कि किताब का नाम द हिडन हिंदू क्यों, इस पे 2 जवाब हैं इलाजी. पहला जवाब ये है कि
मेरी कहानी का ये जो किरदार है ओम शास्त्री जो एक अघोरी के रूप में पकड़ाया है और जब उसको उससे उसका इंटरोगेशन कर रहे हैं, उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरी ना उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे, त्रेता युग में भी था और मैं द्वापर युग में भी था, मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूँ और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला हूँ और कृष्ण से भी, और मैं वो आठवां चिरंजीवी हूँ, द एट्थ इमॉर्टल, जिसके बारे में दुनिया ने अभी तक सुना नहीं है क्योंकि मैं अब तक छिपा हुआ था, हिडन इतिहास के पन्नों में, और अब मैं बाहर आया हूँ ढूंढने उन 7 चिरंजीवियों को जो अभी तक छिपे हुए हैं, हिडन भी लग रही है। हाँ, तो इसके राइट्स मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी धोनी जी ने, धोनी इंटरटेनमेंट इनकी कंपनी है, उन्होंने खरीदा है और हमने तीनों पार्ट के फिल्म मेकिंग के स्क्रिप्चर्स पे काम शुरू कर दिया है। तो इसलिए नाम, क्योंकि इस एक किरदार की कहानी है जो कि अपने आप को हिंदू मानता है। अच्छा। जो चारों युग जी चुका है, तो युगों का डिवीजन किस बेसिस पे है? हिंदू पद्धति से, है ना, कि दशावतार के हिसाब से हमने 4 युग बांटे हुए हैं, और वो जिन लोगों को ढूंढ रहा है, चाहे वो रामायण के किरदार हो या महाभारत के किरदार हो या 7 चिरंजीवी हो, ये सब हिंदू पौराणिक कथाओं का हिस्सा है इसलिए। और दूसरा द हिडन हिंदू नाम इसलिए भी क्योंकि मैं आपसे उसी विषय में बात कर सकता हूँ जिसकी थोड़ी बहुत समझ और जानकारी मुझको हो। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत समझ जो है वो हिंदुज़म की है, और द हिडन हिंदू नाम इसलिए भी, हिंदू शब्द इसलिए, मैंने अभी कुछ समय पहले एक कविता लिखी थी और वो काफ़ी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आपके दर्शकों को भी अच्छा लगे। तो कविता कुछ ऐसी है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, चिता की अग्नि गंगा का पानी कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। तो यही हैं हम। तो हम लिखने के पहले भी अब हमारा माध्यम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कहानियों के तौर पे ही था, और अब लोगों को मेरा कहानी सुनाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है, तो मैं वो कर रहा हूँ जो पुराने लोग करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है अक्षत, आई मस्ट से। एंड ये आठवां चिरंजीवी कहाँ से आया आपके दिमाग में? मुझे एक धागे की जरूरत थी चारों युगों को और 7 चिरंजीवियों को एक माला में पिरोने के लिए। तो आपने आठवां चिरंजीवी, तो मैंने ये एक जो लोग जो कह रहे हैं कि माइथोलॉजी फिक्शन, फिक्शन मेरा वो किरदार है, मैंने जो ऑलरेडी हमारे पुराणों में जो लिखा है और मैंने उनको जब टच किया तो मैंने उनको सिर्फ टच किया, डिस्टर्ब नहीं किया। ओके। तो मैंने उसमें कुछ नहीं बदला है। तो आप इन किताबों को जब पढ़ेंगी तो जो भी जो पुरानी बातों को जो मैंने उठाया वो एज इट इज उठाया अपने शब्दों में बोलने के लिए। बट आपने ये बस एक फिक्शन कैरेक्टर क्रिएट कर दिया आठवां चिरंजीवी। मेरी कहानी का एक आठवां चिरंजीवी जो हीरो है और एक विलन है जिसका नाम नागेंद्र है, जो इसको ढूंढ रहा है। अब ये इसको क्यों ढूंढ रहा है, ये ओम शास्त्री जो है वो कैसे नहीं मरता है, क्यों नहीं मरता है, वो अभी तक जीवित है तो क्यों है, उसको पकड़ा गया तो उसके पास क्या है जो विलेन को चाहिए, ये सब के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द हिडन। तो इंग्लिश में तीनों पार्ट आ चुका है और हिंदी में फर्स्ट आ गया, सेकेंड और थर्ड आने वाला। अपने चाइल्डहुड में हर किसी ने ये स्टोरी सुनी होगी अक्षत, कि जो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ऐसे कमंडल लेके चलते थे और कहीं भी अगर उन्हें गुस्सा आया तो बस यूं निकाला और श्राप दे दिया। तो ये जो कर्स की यानी कि श्राप की जो थ्योरी है ये कैसे काम करती है, क्या वाकई में उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ये पावर्स किसी के पास कैसे आती हैं, और अभी अगर ये कलयुग चल रहा है आज के दौर में ये कर्स वाली जो थ्योरी है ये कैसे चलती है? आपने सुना है हम लोग मजाक में अपने आसपास वाले किसी एक को बोलते हैं कि इसकी जबान बड़ी काली है। हाँ, बहुत ये जो बोल देता हो जाता है ये अभी भी सच में होता है, और हम दूसरे तरीके से ये भी बोलते हैं कि सोच समझ के बोलना चाहिए क्योंकि 24 घंटे में एक बार हमारी जबान पे सरस्वती विराजमान होती है, उस समय हमारे जबान से जो निकलेगा सत्य हो जाएगा। तो पहले के लोग जो थे वो इतने स्पिरिचुअल थे,
कि उनके मुंह से जो निकलता था वो हो जाता था, अच्छा या बुरा। तो इसीलिए आज भी माना जाता है कि ब्राह्मणों को नाराज ना किया जाए, ब्राह्मण को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना भेजा जाए। इसी चक्कर में सीता फंसी थी, है ना। तो श्राप वाली जो बात है, वो श्राप और वरदान दोनों सच में होते थे, और वो श्राप और वरदान जो देने वाला है वो डिसाइड करता था कि उसको क्या देना है। ये मांगने वाली चीज नहीं होती थी। अच्छा, मतलब तपस्या करके आपने जो मांगा है वो वरदान नहीं कहलाता था। वो क्या कहलाता था? वो मतलब वो आप मांग के कुछ ले रहे हैं ना। आमतौर पे श्राप और वरदान खुद से जो देने वाला है उसकी तरफ से, बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली बात। कि आप सेवा कर सकते हैं, बोलते हैं ना कि सेवा करो, फल की कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल, ये फल है। अब आपका फल सड़ा हुआ निकलेगा या मीठा निकलेगा वो आपका कर्म डिसाइड करेगा। तो जब भी आप किसी गुरु ऋषि मुनि को ऑफेंड कर देते थे, और उस वो समय ऐसा था ना कि ऋषि मुनि हर भगवान तक पहुंच पाते थे, तो वो जो बोलते थे वो आपकी नियति बन जाती थी, क्योंकि उस समय इन ऋषि मुनियों का और उन गॉड्स का उतना कनेक्ट था कि अगर इन्होंने कुछ बोला है तो आज की डेट में अगर मेरे पिता किसी से बात करना छोड़ देंगे या किसी से संबंध तोड़ देंगे तो मैं भी तोड़ लूँ, क्योंकि वो एक परिवार की बात है, वो परिवार खंडित नहीं हो सकता। तो एक दूसरे का मान सम्मान रखना ज़रूरी था। तो उस समय इतना जुड़ाव था मानव में और भगवान में। तो आपने ऐसे बोला अक्षत कि स्पिरिचुअली इतने कनेक्टेड थे और स्पिरिचुअली इतने एनलाइटेंड थे वो ऋषि मुनि, कि उनके पास वो पावर थी कि वो किसको भी वरदान भी दे सकते हैं, श्राप भी दे सकते हैं। तो आज कलयुग में क्या ये पॉसिबल है कि कोई स्पिरिचुअली इतना एनलाइटेंड हो जाए कि अगर उसके बस में हो तो वो किसी का जीवन अच्छा कर दे और किसी का जीवन खराब? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। उसका कारण ये है, देखिए आपकी आँख रेटिना, आँख एक कैपेसिटी उसकी लाइट अब्सॉर्ब करने की, उससे ज्यादा रोशनी अगर आपकी आंख में डाल दी जाएगी तो आप अंधी हो जाएंगे। कान को सुनने का एक डेसिबल है, है ना, उसके ऊपर अगर आपको कान में आवाज आएगी तो पर्दा फट जाएगा। तो हम आज की डेट में हम बहुत क्षीण हो चुके हैं, वी आर वेरी लो इन आवर अब्सॉर्प्शन ऑफ एवरीथिंग। तो अब हमारे अंदर इतना अब्सॉर्प्शन पावर बचा नहीं है कि हम उतना स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर समाहित कर पाए कि हम जो बोलें वो हो जाए। तो हमारे में ना अब उम्र बची है, पहले के लोग कई सौ साल जीते थे, है ना। अब तो कई सौ साल अगर आप जी रहे और वो आपकी नॉर्मल आयु है तो फिर आप उतना कुछ अर्जित भी करते थे। अब आपकी उम्र इतनी छोटी है, उसमें आप इतनी चीज़ों में घिरे हुए हैं कि आप भले जीवन भर बैठे बैठे एक ही जगह पे जैसे आराम कर लें, आप नहीं पहुंच सकते। पहले के लोग, बहुत ख़राब से एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले का इंसान आपसे चार गुना ज़्यादा वजन उठा के आपसे दस गुना दूर चला जाता पैदल। आप आज उससे एक चौथाई वजन लेके एक चौथाई डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर उस कार आ गई तो आप कमज़ोर हो गई ना फिजिकली। यही हालत है स्पिरिचुअली। अच्छा, श्री राम और श्री कृष्ण का जो युग था उस समय में क्या ह्यूमंस हमारे आपके जैसे ही दिखते थे या कुछ अलग उनका स्ट्रक्चर था, कुछ आप इसके बारे में आपने पढ़ा है? पढ़ा तो नहीं है, पर सुना है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम लोग हर महीने में घट रहे हैं। तो कलयुग के अंत में हम लोग दो दो तीन तीन फिट के होने वाले हैं। अच्छा, ये फैक्ट है। तो पहले के लोगों की उम्र, और ये तो प्रमाणित है, तो सबके सामने है कि हम भी बोलते हैं ना कि यार हमारे पुराने लोग कितना जीते थे और लंबे भी हुआ करते थे। ऑफ कोर्स लंबे हुआ करते थे, हमारी हाइट एवरेज हाइट कम हो गई है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हम लोग का एवरेज लाइफ स्पैन घट गया है। तो पहले का एवरेज लाइफ स्पैन 70-80 होता था, अभी हम 50s लगभग पहुंच गए, 60s भी नहीं बचे, है ना। तो ये तो लगातार घट रहा है। तो अभी हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि पहले शेर इतना, अभी का शेर इतना है, पहले सेवर टूथ होता था, अभी का एलिफेंट इतना है, पहले मैमथ होता था। तो हर चीज़ डिक्लाइन हो रही है। तो हम इस चीज़ पे लड़ नहीं सकते कि हमारा हाइट पर्सनालिटी पहले इससे बेटर और बड़ा होता था। तो हम होते थे 6-6, 7-7, 8-8 फिट के। आप बहुत दूर नहीं जाते हैं, हम शिवाजी की जो 100 लोगों की आर्मी थी जिन्होंने पूरा पूरा किला बना दिया, वो किले का एक पत्थर हमसे ना हिले, और वो 100-100 लोग मिलके पूरा किला बनाए, हजारों पत्थर लगे उनके, वो कंधे पे लेके चलने वाले जो
बजुका टाइप के जो वो हैं कि पीछे एक आदमी खड़े होके पतीले पे पलीते पे आग लगा देता था और वो चलता था, वो कंधे पे रख के चला देते थे। मैं खुद गया हूँ, मैं देखा हूँ, मैं उसको हिला नहीं पाया था, उठाना तो भूल जाइए, ऐसे मूव नहीं हुआ मुझसे, जबकि वो सिलेंड्रिकल है, मैं उसको रोल नहीं कर पाया। लेकिन वो बनाया भी गया, उसको उतने ऊपर चढ़ाया भी गया। तो हम बहुत कमजोर लोग हैं स्पिरिचुअली फिजिकली। अक्षत, आप MP छत्तीसगढ़ की तरफ से बिलोंग कर रहे हैं। भोपाल के पास एक जगह है भोजपुर, जहाँ के वो शिवलिंग फेमस है। वहाँ पर बहुत सारी एक स्टोरी ये भी फेमस है कि जो भीम थे वो उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। और अगर आप, मैंने बहुत बार मैं वहाँ गई हूँ दर्शन करने, तो अगर आप उसकी हाइट देखेंगे ना तो किसी 3-story बिल्डिंग जितनी हाइट है। तो क्या वाकई में भीम इतने लंबे थे? भीम के लिए बोला जाता है कि 100 हाथियों का बल उनमें था। उसको आप थोड़ा डिस्काउंट भी दे दें अगर आप नहीं मानती हैं तो कितना डिस्काउंट देंगे आप? 10% पे तो आएंगे, 50 पे तो आएंगे, मैं बोलता 90% डिस्काउंट देंगे, तो भी 10 हाथियों का बल एक इंसान में अगर है तो वो 6 फुट का इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि 10 हाथियों का बल 6 फुट के शरीर में हटेगा नहीं। तो उसका शरीर उतना बड़ा होना पड़ेगा कि वो 100 हाथियों का, जैसा कि हम मानते हैं, बल हो। इसीलिए तो ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, रामायण और महाभारत का बहुत जगह जुड़ा हुआ। कैसे? एक भीम के बारे में बता देते हैं, फिर कहीं और चलेंगे। ठीक। तो भीम एक बार कहीं जा रहे थे जंगल के अंदर, जब ये लोग छुपे हुए थे, और एक बंदर, सब पूरे सफ़ेद बालों से घिरा हुआ एक बंदर बैठा हुआ था। तो बोले कि ये महाशय, आप अपना पूंछ हटाइए, क्योंकि पहले लोग एक दूसरे को लांघते नहीं थे ना, हम बचपन में होते थे ना, हाइट छोटी हो जाएगी, लांघो मत, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अच्छा। तो बोले आप अपना पूंछ हटाइए, मेरे को जाना है। तो मैं बुजुर्ग हूँ, आप खुद ही हटा लीजिए करके जब भीम पूंछ हटाने की कोशिश किए, तो पूरे 100 हाथियों का बल लगा लिया, पूंछ हिला नहीं उनसे। तब उनको समझ में आया कि भाई ये जितना नॉर्मल सा बंदर दिख रहा है, ये उतना नॉर्मल सा बंदर है नहीं। तब उनको समझ में आया कि ये तो हनुमान है, तो इसलिए उनका पूंछ नहीं हिल रहा था। चिरंजीवी हनुमान साथ था, साथ चिरंजीवी हनुमान, तो उनका पूंछ नहीं हिल रहा था। इसी अब हनुमान आते हैं रामायण से, और मैं बात कर रहा हूँ भीम की। आप त्रेता में आ गए? मैं द्वापर में आ गया। हाँ, सॉरी, त्रेता से आप द्वापर में आ गए। हाँ, क्योंकि वो चिरंजीवी है ना, वो वहां से वहां तक थे। तो ये जो भीम का इत्तेफाकन जो एनकाउंटर हो गया, काउंटर हो गया हनुमान जी के साथ। फिर वो आगे निकले, जयराम जी के बढ़ गए। अब जब महाभारत का समय आया, तो भीम ने अर्जुन और कृष्ण को बताया कि मेरे को मालूम हनुमान कहाँ रहते हैं, और हमारी तादाद इन दिस वॉर कम है, तो अगर हनुमान हमारे साइड आ जाए तो कमाल हो जाएगा। फिर कृष्ण और अर्जुन गए हनुमान जी के पास, बोले ऐसा ऐसा है, हम धर्म की तरफ खड़े हैं, आप हमारी तरफ से लड़िए। तो हनुमान बोले कि मेरा पर्पज ये है नहीं, अगर मैं इसमें उतर गया तो फिर महाभारत हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैं जिस तरफ खड़ा रहूँगा वो तो ऑलरेडी जीत जाएगा, लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हैं तो मैं आपको बैरंग भी नहीं लौटा सकता। तो ठीक है, आप जिस रथ के सारथी बनेंगे मैं उस ध्वज में बैठ जाऊंगा। इसीलिए जब आप अर्जुन का रथ देखते हैं तो वो ऑरेंज कलर के ध्वज में ना हनुमान बने होते हैं बैठे हुए। तो इससे एक और कहानी जुड़ती है कि फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण भी बड़े पराक्रमी थे, कर्ण से सबको डर था कि कर्ण को कैसे हराएंगे। तो कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ, तो अर्जुन तीर चलाते थे और वो कर्ण के रथ पे पड़ता था, तो कर्ण का रथ 10 फुट पीछे चला जाता था, 15 फुट पीछे चला जाता था। कर्ण एक तीर चलाते थे जो अर्जुन के रथ पे पड़ता था, तो अर्जुन का रथ 5-6 इंच पीछे जाता था। और कृष्ण बैठे बैठे कर्ण की तारीफ करते थे, जबकि सारथी हैं अर्जुन के, बोले क्या तीर चलाया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अर्जुन से रहा नहीं। अर्जुन बोला आप किसके साइड है, आप मेरे पक्ष में ना, मेरे साइड है आप, तारीफ आप उसकी करें, मेरा मनोबल टूट रहा है, मैं चलाता हूँ वो 20 फुट पीछे जाते हैं, वो चलाता है मैं 6 इंच पीछे जाता हूँ, आप तारीफ उसकी कर देते। तो कृष्ण पलटे और बोले मूर्ख नादान, वो जिस रथ पे तीर चला रहे ना उस पे हनुमान बैठे, वो अब तुम्हारा भीम जिसका पूंछ नहीं हिला पाया, वो आदमी अपने तीर से उस रथ को हिला दे रहा है, और अभी उसको ये तो पता भी नहीं है कि उसमें कृष्ण मतलब विष्णु भी बैठा है, तब वो तुम्हारे रथ को 6 इंच पीछे कर दे रहा है। कितना बड़ा महारथी है। तो तुम सोचो कि तुम्हारे रथ से अगर ये 2 हट जाए तो तुम कहाँ जाओगे, तो कौन हुआ बड़ा?
एक ही कहानी है, दूसरी राम और कृष्ण, क्योंकि ये दोनों एक ही क्या अवतार है, तो पुनर्जन्म वाली बात हो गई ना एक्चुअली। विष्णु जी अगर राम थे और विष्णु जी अगर कृष्ण थे, तो ये तो राम का पुनर्जन्म, कृष्ण का और राम का पुनर्जन्म मान लीजिए, या इन्हीं के दो जन्म मान लीजिए, बात तो रीइंकार्नेशन पे आ गई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये कहानी है कि राम जब सुग्रीव से मिले तो उनको पता चला कि उनका भाई, सुग्रीव का भाई बाली, उसने सब राजपाट हथिया लिया, लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मारा जा सकता? क्योंकि वो उसमें ये पावर है कि वो जिससे लड़ेगा उसका 50% स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर आप और मैं लड़ रहे हैं और आप अगर बाली हैं, तो मैं 0.5 रह जाऊंगा, आप 1.5 हो जाएंगे, तो मैं जीत ही नहीं सकता। तो राम ने बोला कि सुग्रीव आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से तीर मार दूंगा, काम लग जाएगा। वो उन्होंने वैसे ही किया, बाली मर गया, सुग्रीव वानर सेना के राजा बने, राम सेतु बनाए, रावण से लड़े, सब हुआ, रामायण का समय खत्म हुआ, राम विष्णु अवतार में वापस ऊपर चले गए। जब वो ऊपर पहुंचे तो इंद्र और सूर्य आए उनके पास, और वो बहुत नाराज हो गया है विष्णु जी के पास, बोले हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। देखिए हम हमारे भगवान से ऐसी बात, हम मंदिर जाते हैं और हम बोलते हैं ना कि तूने ऐसा किया, तो हमारे में चलता है। तो बोले हम नहीं खेलेंगे विष्णु जी, ये फाउल है। तो विष्णु जी बोले यार इतने साल बाद मिल रहा हूँ तुम लोग से, क्या हो गया, क्यों मेरे पे क्यों? तब उनको पता चला कि जो सुग्रीव थे वो सूर्य के प्लेयर थे, सूर्य वाज कंट्रोलिंग हिम। अच्छा। और जो बाली था वो इंद्र का प्लेयर था, इंद्र वाज कंट्रोलिंग, और बाली का जीतना तय था, मतलब इंद्र का जीतना तय था, लेकिन विष्णु जी राम अवतार में आए और टेबल्स टर्न्ड। तो जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया, तो इनका गेम बिगड़ गया ना विष्णु जी का। तो विष्णु जी को रियलाइज हो गया गलती से गलती हो गई। तो विष्णु जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा ना तो मैं इसको बैलेंस कर दूंगा। त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ, विष्णु जी कृष्ण का अवतार लेके वापिस आए, और इस बार उन्होंने इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दे के सूर्य पुत्र कर्ण को हराया। ये वहां से कनेक्टेड है कहानी, तो ये रामायण से महाभारत तक कनेक्टेड है। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ जी। लेकिन इसी कहानी में एक थोड़ा सा और एक्सटेंशन है, और वो और इंटरेस्टिंग। बताइए बताइए। फिर महाभारत खत्म हो गई, ठीक है, फिर कृष्ण द्वारकाधीश बने, द्वारका नगरी बनाए, फिर श्राप था तो पूरा द्वारका सालवा ने डुबो दिया, सालवा वॉज अनदर डीमन लाइक रावण, उन्होंने भी पुष्पक विमान से भी बड़ा एक स्पेसशिप वो खैर अलग बात है, तो द्वारका डूब गया। अब कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, कहीं से एक तीर आया और उनकी एड़ी के आर पार चला। अब उनका खून बह रहा था और वो मर रहे थे। आप सोचिए भगवान का अवतार, एड़ी में एक तीर लगने से अब उसके जाने का समय आ गया। तो जिसने तीर चलाया था वो दौड़ता दौड़ता आया, वो एक भील था, उसको रियलाइज हुआ कि मैंने कृष्ण को मार दिया। वो मतलब पाप बोध होने लग गया उसको, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मैं कृष्ण को मार दिया। तो कृष्ण उसको पास बुलाया और मरने के पहले बोले कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, ये मेरे पाप का प्रायश्चित है कि तुमने मुझे तीर मारा है। तो बोले मतलब अब ये तो साधारण मनुष्य इसको समझना है। तो कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में जब मैं राम था तो तुम राजा बाली थे, वो भील, हाँ मैंने तुमको तीर मारा था, तो ये तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ नहीं रहा है, मेरा कर्म कट रहा है, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति की ओर हूँ, धन्यवाद मेरे को इस कर्म से मुक्ति देने के। तो ये फिर रामायण से महाभारत तक का कनेक्ट। और जो आपने बीच में अभी पुष्पक विमान वाला बताया हिस्सा, वो क्या कहानी है? पुष्पक विमान से भी बड़ा कुछ बना लिया था उस राक्षस ने, क्या था वो? सालवा ने शिव की आराधना करके कृष्ण की नगरी और कृष्ण के साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए पुष्पक विमान से भी बड़ा एक बहुत ही आधुनिक विमान ले लिया था शिव जी से। और फिर वो खैर वो उसका अगला पिछला बहुत लंबा है, वो अगली बार करेंगे। बिल्कुल, शिव जी की बात चल रही है, कैलाश के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। अक्सर हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि कैलाश पे शिव जी का कुछ अंश दिखा, भोलेनाथ दिखे, ओम लिखा हुआ दिखा, तो क्या वाकई अभी कलयुग की अगर बात करें वहाँ क्या शिव का कुछ कनेक्शन है कैलाश से अभी भी, क्या शिव वहाँ है? देखिए कैलाश पर्वत जो है ना वो बड़ा मिस्टीरियस है, और कोई तो कारण है, मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना मार्स पे चले गए, मून पे चले गए,
कैलाश पर्वत अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट उससे ऊंचा है। वहां तो चढ़ गए और सब कंचनजंगा चढ़ गए और मेरू चढ़ गए, पता नहीं क्या क्या चढ़ गए, ये कोई नहीं चढ़ पाया। प्लस इसका जो प्लेसमेंट ऑन अर्थ है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? ये ना 6,666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, और 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। तो ये ना इत्तेफाक नहीं लगता, ये यूं ही है ऐसा नहीं लगता। कुछ कोई ना कोई चीज़ तो उस प्लेसमेंट में होगी, लेकिन वो चीज़ इतनी इतनी यू नो पूजनीय क्यों है वो। प्लस कैलाश पर्वत को मानने वाले सिर्फ हिंदू नहीं, और कौन? चाइनीज है, बुद्धिस्ट है, जैनिस्ट है। तो कैलाश पर्वत को बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम जिसको कैलाश बोलते हैं उसको सुमेरु भी बोला जाता है, उसको शैंग्रीला भी बोला जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, आप मार्वल फिल्म्स देखती हैं, उसमें वकांडा देखी है? वकांडा फॉरएवर, ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर देखी? हाँ, तो ब्लैक पैंथर का जो 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 सिटी है उस सिटी का नाम है वकांडा। अच्छा, भूल गई, कोई बात नहीं, जो दिखता नहीं है, जो जब प्लेन अंदर जाता तब सडनली वो यस तब इमर्ज होता है। लेकिन नेकेड आई से जब आप देखते हैं तो वो पूरा जंगल दिखता होता है। जंगल दिखता है। यू सीन दैट सीन? यस यस यस। ये सीन इन लोगों के पास कैसे आया आपको पता है? कैलाश पर्वत पे एक कैमोफ्लॉज्ड हिडन सिटी है, उसका नाम है ज्ञानगंज। ज्ञान ज्ञानगंज गंज जी। और वो जो ज्ञानगंज है वो हम में से किसी को दिखता नहीं, वो दिखता ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से ब्लैक पैंथर का फर्स्ट पार्ट फिल्म देखेंगे ना, तो जब ब्लैक पैंथर को ये प्रूव करना होता है कि आई एम दी वर्दीएस्ट ऑफ ऑल, तो एक दूसरे क्लैन का बंदा आता है उससे लड़ने, वो झरने के ऊपर एक फाइट होता है कबीले के स्टाइल में। तो जो सामने से आता है ना, वो अपना फाइट शुरू करने के पहले ऐसे करके बोलता है ग्लोरी टू हनुमान, और फिर लड़ाई शुरू करता है। तो वकांडा फॉरएवर हम सीख गए कि वकांडा एक हिडन सिटी है, हमको ये नहीं मालूम है कि ये हमसे ले गए उठा के, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और उसको वही प्रूव कर रहे हैं जब उसी के अंदर का एक्शन बोल रहा है कि वकांडा ग्लोरी टू हनुमान। तो ये माना जाता है कि ज्ञानगंज जो शहर है, जो कैलाश पर्वत पे बसा है, जो आपको और मुझे नहीं दिखता है, देखिए चार युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग और फिर कलयुग। कलयुग के बाद फिर से सत्ययुग आएगा। तो हम जितनी चीजों को खत्म कर दे रहे हैं इस पृथ्वी से, जिसको हम कहते हैं विलुप्त हो गए, जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट हो गए, तो अगली बार सत्ययुग जब शुरू होगा तो उनको वापिस कैसे लाएंगे आप, क्योंकि वो तो खत्म हो गए। वो सब जमा होते हैं ज्ञानगंज में टू गेट द नेक्स्ट सर्कल ऑफ युगा स्टार्टेड। तो क्या हमारे कर्म भी खत्म हो जाते हैं? सब खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएं। हनुमान खत्म हो जाएंगे, परशुराम हनुमान सब खत्म हो जाएंगे, फिर से सृष्टि शुरू होगी, फिर से सब। ओके, शंकर जी का डब्लू देखे हैं? ये मेरी थ्योरी है, किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन बुरा लगने जैसा कुछ है नहीं। तो ऐसा है ना कि मुझे डमरू ऐसा दिखता है कि सत्ययुग, आप मेरी उंगली को ध्यान से देख सकते हैं कैमरा में भी, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सत्ययुग। ये जो डमरू का शेप बना जिसको शिव जी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो आपने सैंड आर ग्लास देखा ना कि आप ऐसे करते तो इधर जाता, वैसे करते तो डुक डुक जो चल रहा है आपका, जो ये बो शेप बना, इसको आप जब जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे ना उस पे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब इन्फिनिटी बन जाएगा। यस, तो जो इन्फिनिटी है वो हमारा डमरू है, वो जो डमरू के चार कोने हैं वो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, और कलयुग के बाद डुक डुक में फिर सत्ययुग आएगा। तो जब फिर से सत्ययुग आएगा तो फिर से सब कुछ होगा, फिर से राम पैदा होंगे, फिर से रावण आएगा, फिर से हनुमान आएंगे, हनुमान को याद नहीं होगा, वो राम से मिलेंगे, उनको याद दिलाया जाएगा, रामायण खत्म होगा, राम विष्णु अवतार में वापस ऊपर जाएंगे और हनुमान को फिर रुकना पड़ेगा। तो क्या फिर से रावण पैदा होगा? क्या फिर से वो सारी सर्जनाएं होंगी? ये सब कुछ फिर से होगा, दोबारा होगा। फिर हमारे कर्मों का महत्व क्या है? मैं आज जो कर्म कर रही हूँ, अगर ये अगले कलयुग में भी सेम ऐसा ही रिपीट होना है, तो मेरे कर्मों का क्या महत्व है? आपका कर्म इस युग के खत्म होते होते तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका एनर्जी, व्हाट इज अ सोल? सोल इज एनर्जी, राइट, साइंटिफिकली, और हम उसको हिंदी में आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है।
उसके पहले ये एनर्जी जब इधर उधर भटकती रहती है तो हम बार बार फिजिकल फॉर्म में बॉडी में आते रहते हैं। जब कलयुग खत्म होगा, इस कालखंड का जब कलयुग खत्म होगा, तो जितनी एनर्जीज हैं वो सब जाके परमात्मा में विलीन हो जाएंगे और फिर नई एनर्जीज निकलेंगे, सबको मोक्ष मिल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर से जो नई सृष्टि शुरू होगी उसमें इला के अपने नए कर्म होंगे, अक्षत के अपने नए कर्म होंगे। हो सकता है कि अगली बार अक्षत इला से सवाल पूछ रहे हों और हम, वो जो एनर्जी है वो आप और मैं इस शरीर में नहीं होंगे, हम किसी और शरीर में किसी और तरीके से किसी और गर्भ से बाहर आएंगे। लेकिन ये जो मेन ऊपर की चीजें हैं ना, दी सीईओज एंड डायरेक्टर्स, वो कहानी उस समय के आने वाले ह्यूमंस को समझाने के लिए सेम रहेगी। आखिरी सवाल, सभी युगों में लगभग हमने देखा है कि मनुष्यों के पास, जो भी उस युग में लोग थे, उनके पास ऐसे तीर कमान होते थे और वो एक तीर चलाते थे और 100 बन जाते थे और 100 बन के बरसते थे और ऐसे पुष्पक विमान हुआ करते थे, बहुत सारे हमने चमत्कार देखे हैं। तो अभी अगर कलयुग की बात करें तो क्या कलयुग में भी कुछ ऐसे हैं, कुछ जैसे कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में बातचीत होती है, कई पिक्चरें भी बनी हैं और भी बहुत सारे गुप्त अस्त्रों की बात होती है, अभी कलयुग का स्टेटस क्या है? हम हर चीज में पीछे जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे गए। कैसे? नासा ने एक दिन टेलीस्कोप बनाया, सैटेलाइट भेजा और पूरी दुनिया को बताया कि बीच में सन है और सन के इर्द गिर्द 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं और हम उसको सोलार सिस्टम बोलेंगे। आपको लगता है कि जिस दिन उन्होंने ये बताया कि सोलार सिस्टम बोलेंगे, उसके बाद हमने सौर्यमंडल शब्द का याद किया? सौर्यमंडल हमारे वेदों में लिखा हुआ है, मतलब हमको पता था ना कि सोलार सिस्टम जैसी एक चीज होती है। कैसे? नेकेड आईज से तो हम 9 प्लैनेट्स नहीं देखे होंगे। उन्होंने बताया 9 प्लैनेट्स हैं आपके घर में, जब गृह प्रवेश हो या किसी की अंत्येष्टि हो, आप चावल के ढेर में 9 सुपारी रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, वो आप 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, 9 ग्रहों की शांति की पूजा करते हैं। इन्होंने तो अभी 60-70-80 साल पहले बताया कि 9 ग्रह हैं। आपको तो पता था ना कि 9 ग्रह हैं, तब ना आप, हनुमान चालीसा में अर्थ से सन का डिस्टेंस लिखा हुआ है, वो चीज जब नासा ने बोला कि दिस इज द लाइट ईयर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन, इट इज सो क्लोज टू व्हाट इज ऑलरेडी रिटन, तो हमको वो पता था ना। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारी आदत पड़ गई है, बहुत गंदी आदत पड़ गई है कि हमको हर चीज का वैलिडेशन उनसे चाहिए। जब उन्होंने बोला ना ये तो देयर लैंड ऑफ स्नेक्स, तो हमने मान लिया कि वे आर लैंड ऑफ स्नेक्स, क्योंकि वो दिखने में गोरे थे, अलग तरीके कपड़े पहनते थे, जो भी था। आप देखिए कि जब हम पहले बोलते थे ना कि पुष्पक विमान में रावण आया तो लोग हंसते थे, फिर कुछ बहुत साल बाद ना राइट ब्रदर्स ने, क्योंकि वो हंसते क्यों थे, उनको लगता था कि इंसान उड़ ही नहीं सकता, आज आप और मैं सब उड़ रहे हैं, कुछ प्लेन में बैठ के कुछ बिना प्लेन के भी उड़ जाते हैं, ठीक है। तो पुष्पक विमान वो बोलते हंसते थे, फिर राइट ब्रदर्स ने जब सही में पहली बार प्लेन इन्वेंट किया और प्लेन उड़ गया, और जब उन्होंने बोला फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द हिस्ट्री विल टॉक दैट द मैन कैन फ्लाई, तो आपको पता है हमने क्या कहा? हमने बोला हम भी तो वही बोल रहे थे कि पुष्पक विमान था। अब पुष्पक विमान, अगर विमान की बात करेंगे तो बिना ग्रेविटी के तो बात नहीं कर सकते ना। एक शख्स दौड़ना नहीं सीखता ना, पहले चलना सीखता है। तो अगर आपको विमान की बात करनी है तो आपको गुरुत्वाकर्षण, आपको ग्रेविटी की समझ होनी पड़ेगी, नहीं तो आपका विमान जमीन कैसे छोड़ेगा? यू नीड टू नो ना कि मेरे को जमीन छोड़ना है तो ये जमीन खींच क्यों रही है। आपको और मुझे पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, यही पढ़ा है ना हमने। न्यूटन के पैदा होने के 1000 साल पहले एक शख्स थे, और ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, एक शख्स थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। यस, आई एम प्राउड टू बी अ गुप्ता। सो उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने 1000 साल पहले अपनी किताब में 3 लाइनें लिखी। उन्होंने लिखा कि जैसे अग्नि का काम है हर चीज को भस्म करना, जैसे पानी का काम है हर चीज को शीतलता प्रदान करना, वैसे ही धरती का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना, ग्रेविटी। इस ब्रह्मगुप्त के इस 3 लाइन को उनके मरने के 500 साल बाद भास्कर टू नाम के एक शख्स ने एलोबोरेट किया। उसने लिखा कि ब्रह्मगुप्त ने जो ये लाइन लिखी थी कि धरती पृथ्वी का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना, उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।
भास्कर टू के मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे और हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसके 1000 साल पहले अगर हम ग्रेविटी बना सकते थे, और मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ कि 1000 साल पहले हमने ग्रेविटी समझा दी थी दुनिया को, तो आप मुझे ऐसे कैसे प्रूव कर पाएंगे कि राइट ब्रदर्स के पहले आदमी उड़ नहीं सकता था? अगर हमको ग्रेविटी की समझ थी तो हमको विमान की समझ थी। गैलीलियो जो पहला शख्स था जिसने बोला था कि अर्थ इज राउंड, उसको एंटी क्राइस्ट बोल के टांग दिए थे, है ना। जब वहाँ गैलीलियो को एंटी क्राइस्ट बोल के टांग रहे थे, उस समय भी हमारे देश में भू ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड होता है, गोल मतलब गोल होता है। अब आप इस बात पर लड़ सकते हैं कि नहीं नहीं वो तो बाद में हमने भूगोल शब्द का याद करके ज्योग्राफी बोल दिया होगा। मैं आपको वो भी उस पर भी मैं प्रमाणित करता हूँ। साउथ में जाइए, अभी हम कांतारा और वराह अवतार की बात कर रहे थे। वराह अवतार के सिंह में जो गोल चीज़ रखी है, फ्लैट तो नहीं रखी ना, वो गोल रखी है, धरती गोल। तो हमको, और वो मंदिर कई हजार साल पुराने हैं, तो उस मंदिर को पहले से हमको पता था कि जो भू है गोल है, वो गोल है। तो इसमें आप हम पे सवाल हम ही उठाते हैं और कोई नहीं उठाता, तो ऐसा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। मतलब मेरे लिए खुद भी बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है ये आज का अंतःकरण। अगर आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो, कुछ ऐसा जो मुझसे छूट गया हो आपसे पूछने में, तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। क्राइम बढ़ नहीं रहा है, क्राइम घट रहा है इस देश में। हमको दिखाया क्राइम ज़्यादा जा रहा है, उसको थोड़ा कम देखिए। अपने आस पास वालों को खुश रखिए, खुद खुश रहिए। जिंदगी बहुत आसान और सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए बस। थैंक यू सो मच अक्षत। तो आज के अंतःकरण में हमारे साथ थे मशहूर राइटर अक्षत गुप्ता। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आपके अक्षत से, माइथोलॉजी से जुड़े हुए, इंडियन पौराणिक इतिहास से जुड़े हुए कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में हम फिर से अक्षत को इनवाइट करें और आप सभी के जो क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करें। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।